नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। लोकसभा में आज जिस तरह से श्री राहुल गांधी विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने अपने तेवर दिखाए, उससे मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी या यूं कहें एनडीए के सांसद सदमे में थे। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। संसद के अंदर हमेशा जो कहा जाता है कि सरकार जो बोलती है वो सच होता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और किस तरह से गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनके बयान पर झूठ बोला, आज ये खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको श्री राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर उन्होंने अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर सेना में जो भर्ती की नई योजना मोदी सरकार लाई है उस पर किस तरह से उन्होंने सरकार को घेरा, पहले सुनिए। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि पंजाब के हाल ही में हुए एक शहीद की जब शहादत हुई तो सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि सरकार जो है वो जवानों में भेदभाव कर रही है और ये स्कीम तुरंत बंद होनी चाहिए। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, तीन बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी, आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो, ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, इस बात पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में सबको कंपनसेशन दिया जाता है, सुनिए और उसके बाद हम करेंगे, आईएनसी टीवी करेगा खुलासा। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। आइए अब आपको ले चलते हैं 29 मई 2024 को, चुनाव से ठीक पहले, यानी आज से ठीक 2 महीने पहले, उस घर में, उस शहीद सैनिक के घर में जहां पर श्री राहुल गांधी जाते हैं और वहां पर वो परिवार से बातचीत करते हैं और खास करके जो परिवार के लोग होते हैं, जो सैनिक अग्निवीर में अपनी जान शहादत हो जाता है, उसके पिता क्या कहते हैं कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ना कोई कंपनसेशन मिला है ना ही कोई कुछ और चीज। हाँ, उन्होंने जरूर कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से उन्हें मदद जरूर मिली। अब मजदूरी मजदारी बस माड़ा मोटा कोई काम धंधा जो कर लेते हैं, क्या करें? उनको काम धंधा भी नहीं होने का, क्योंकि जो बेटा चला गया क्या करेंगे? कोई सहूलत नहीं मिल रही ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। लोकसभा में इस पर चर्चा के दौरान अमित शाह जी ने सत्यापन की बात कही, पहले उनकी बात सुनी। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय, अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को, जो शहीद होता है, उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए।
नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। माननीय आदरणीय श्री अमित शाह जी, आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, अब आप दोबारा देख लीजिए कि परिवार क्या कह रहा है। वही कह रहा है जो आज विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने सदन के अंदर कहा कि अग्निवीर योजना में भेदभाव किया जा रहा है। आपने कहा कि परिवारों को 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, लेकिन परिवार कह रहा है कि उन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला है। एक बार चलते चलते फिर बयान सुन लीजिए उस परिवार का। अबे मजदूरी मजदारी बस माड़ा मोटा कोई काम धंधा जो कर लेते हैं, क्या करें। कौन तो काम धंधा भी नहीं होने का, क्योंकि जो बेटा चला गया क्या करेंगे। कोई सहूलत नहीं मिल रही ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है ममता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें।